सब्सक्राइब करें YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कनौजिया और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी। आज की महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि यूपी सरकार का बड़ा बयान निकल गया है और उत्तर प्रदेश में होगी नौकरी की गारंटी। साथ ही साथ अब बनेगा रोजगार आयोग, प्रत्येक घर में एक युवक को नौकरी जरूरी। तो देख लेते हैं क्या कुछ बड़ा बयान निकल के आ रहा है। इसके पहले कितनी भर्तियां अभी तक उत्तर प्रदेश में खाली बची हैं, खाली पद हैं जितने भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी और तुरंत आप उन वीडियोज़ को देख सकेंगे। चलिए देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा रोजगार आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर घर में एक युवा नौकरशुदा जरूरी हो और इसके लिए सरकार का एक नया नियामक आयोग बनने की तैयारी में है और रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव में अमल करने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है और इस आयोग के मुखिया रोजगार आयुक्त होंगे, यानी कि जो रोजगार आयुक्त बनेगा उसके जो मुखिया होंगे वह रोजगार आयुक्त होंगे। उनका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा और रोजगार एवं प्रशिक्षण के उद्यमित विकास, कौशल सुधार और मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण और स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। और देख लीजिए, रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के लिए समन्वयक का काम करेंगे और उन्हें यह अधिकार होगा कि वह रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था और उद्योग या कंपनी को दे सकेगा। इसके लिए सरकारी सेवा में से लेकर के और गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार शामिल हैं और निजी क्षेत्र में देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार के मौके उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए सरकार उनको प्रशिक्षण भी देगी। और देख लीजिए, प्रस्ताव आयोग प्रदेश में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सभी अवसरों पर नज़र रखेगा और साथ ही साथ यह भी तय किया जाएगा कि नियुक्तियाँ पूरी पारदर्शिता के साथ हों, उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के बाद नौकरी या स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को बैंकर्स के समन्वयक स्थापित कर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिलाया जाएगा और विभिन्न देशों के दूतावासों से संपर्क कर वहां उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। देख लीजिए, और आगे भी देख लेते हैं, मनरेगा के तहत जिस तरह से 100 दिन का रोजगार गारंटी देती है सरकार, उसी तरह की गारंटी शहरों और कस्बों में रहने वाले हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की होगी। इसके पदेन अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे और लॉकडाउन के दौरान जब दूसरे देश प्रदेशों से युवक आए तब सरकार ने सभी जिलों में स्किल मैपिंग कराई थी और उसी दौरान योगी ने, यानी कि जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने रोजगार आयोग के गठन की बात कही थी। अब इस प्रक्रिया में तेजी से इसको बढ़ाया जाएगा। देख लेते हैं कितने पद अभी तक खाली हैं। खाली पद हैं आपके 119,608, पदोन्नति के पद हैं जो वो हैं 31,477 और आयोग में लंबित रिक्तियां हैं अभी तक जो हैं वो हैं 26,151, यानी कि सीधी भर्ती इतनी है और पदोन्नत की संख्या 31,477 और आयोग में लंबित रिक्तियां हैं अभी तक 26,151। और देख लेते हैं प्रमुख विभागों में रिक्तियां, यानी कि राजस्व विभागों की रिक्तियां जो हैं 20,554, परिवहन की 16,000 लगभग और आपकी पंचायती राज की 10,000, लोक निर्माण की 5,000, कारागार की जो आपकी
5141 और स्टाफ पंजीकरण 31080, समाज कल्याण 2503, खाद्य एवं रसद में जो आपकी हैं वहाँ पर 2460, गृह में आपकी 2362 और आवास में 2183, इतनी जो हैं प्रमुख विभागों में रिक्तियाँ खाली हैं। तो दोस्तों ये जो आपका रोजगार के लिए है, देख लीजिए अब इसमें क्या आगे होता है। सितंबर तक 119,608 पदों का आया आंकड़ा। तो इस प्रकार से जो आपका रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा और जो भी नई जानकारी निकल के आती है हम आपको जरूर बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर यदि नए थे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।